मालिक है। देखिए अभी हम लोग सिवान से मरवा आए हुए हैं और संध्या का वक्त है और यहाँ पे जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया के सामने। तो ये पूरा मामला जानते हैं किस चीज को लेकर अजय भास्कर चौहान यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो क्या मामला है मुखिया जी पूरा बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद करेंगे कि जनता की समस्याओं का आपने जानने का प्रयास किया है हम लोगों के माध्यम से। आज तकरीबन चार बजने में 5 या 10 मिनट कम होगा या 4 बजे का आसपास हो रहा होगा, हम ब्रांच में आए चूँकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वहाँ ATM से पैसा निकालने के दरमियान 10,000 पैसा डिडक्ट हो गया था, लेकिन उस समय बच्चों को पैसा नहीं मिल पाया था। उन लोगों ने फ़ोन किया कि पापा पैसा कट गया, लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा हमको नहीं मिला। हम जब चेक करवाए, जब मैसेज देखे तो पैसा तो कटा हुआ था। तो फिर हम ब्रांच में आए और ब्रांच में आकर के जो ऑफिसर्स थे उनसे हमने पूछा कि सर ATM से पैसा निकल चुका है और बच्चों को मिला नहीं और पैसा भी कट चुका है, तो आप स्टेटमेंट हमको दे दीजिए थोड़ा सा, हम देख लेते कि किधर कौन डेट में पैसा कटा है। तो उन्होंने बोला कि मेल कर देते हैं। हम बोले कि ठीक है सर, मेल कर दीजिए और मेरा जो पैसा है उसका निदान करवा दीजिए कि कैसे रिटर्न आएगा। इन वार्ता के दरमियान ऑफिसर्स ने हमें कहा कि जब आपको उसके लिए देना होगा तो लिख के दीजिए। तो जब उन्होंने लिख के मांगना शुरू किया, चूँकि मेरे पास स्टेटमेंट नहीं था तो हमको एग्जैक्ट डेट नहीं याद था कि किस डेट में, 2 या 3 दिन पहले कटा था तो डेट हमें नहीं याद था। तो हमने उनको बोला कि आप तो सर मेल करिएगा, तो नहीं हम कर पाएंगे अभी, चूँकि मेल का प्रिंट आउट करवाएंगे फिर कैसे लिख के देंगे। तो हम उनको बोले कि आप मैनेजर साहब, आप ऑफिसर्स जो भी वहाँ ऑफिसर्स थे उनसे हमने बोला कि आप स्टेटमेंट अभी दे दीजिए हमको प्रिंट आउट करके और हम मिला लेते हैं, मिला करके फिर आपको हम रिटेन में दे देंगे तो मेरा जो समस्या उसका निदान हो जाएगा। इतना पर उन्होंने कहा कि अभी आपको हम नहीं दे पाएंगे, अभी आपको इंतज़ार करना होगा। किसके लिए? बचत खाता के स्टेटमेंट के लिए। विडम्बना देख लीजिए, वो भी कब हम थे, शाम के समय में जब बैंक बिल्कुल खाली था। अमूमन 5 से 10 आदमी बैंक में थे, उस समय भीड़ बहुत नहीं थी। चूँकि हम यहाँ के लोकल मुखिया हैं और हमारा इसमें बचत खाता है, करेंट अकाउंट है इस बैंक में, मेरे पंचायत का हजारों अकाउंट इस बैंक में है, हम लोगों का सरकारी अकाउंट इस बैंक में है, इस नाते चूँकि अपनापन था तो उन्होंने जो हमारे साथ मिसबिहेव किया, हमको लगा कि ये आदमी कहीं ना कहीं जो मेरे साथ कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा, तो उसके बाद भी हम साइड में जा कर के खड़ा हो गए। हम इसीलिए खड़ा हो गए कि ठीक है जब तक आप बोलिएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमको जब स्टेटमेंट दे दीजिएगा तभी ना हम लिख के देंगे। अब इसके ऑफिसर से हम नाम तो नहीं बता सकते हैं। इस दरमियान जब हम साइड में खड़ा हो गए थे तो खड़ा होने के बाद उस ऑफिसर्स को ऐसा लगा कि हमने गलत डायरेक्शन में इनको हमने कहा है, फिर उनको अभी जो भी लगा हो फिर वो अपने प्यून को मेरे पास भेजे कि जाइए मुखिया जी को बोलिए कि अब वो लिख के दें तब हम उनको स्टेटमेंट देंगे। तो हम जाकर के पूछे कि यही बात आप मेरे पहले कह देते हमको कि मुखिया जी आपको स्टेटमेंट जो आपके बचत खाता का, जब तक आप आवेदन नहीं लिख के दीजिएगा तब तक आपको हम नहीं देंगे। तो हमको ये खराब लगा, नागवार गुजरा कि हमने पूछा कि जब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और एक स्टेटमेंट के लिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आवाम के साथ आपका कैसा व्यवहार होगा, क्या करते होंगे बैंक में, आखिर लोग त्रस्त रहता, लोग परेशान रहता। इतना ही पर आग बबूला हो गए कि आप हमको नियम समझा रहे हैं, आप जानते नहीं हैं जब तक लिख के नहीं दीजिएगा। हम तो भैया नियम नहीं समझा रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप पहले ही यह बात कह दिए होते तो हम लिख के देते। और अमूमन और भी जो लोग हैं, हम लोग भी एक व्यवसायी भी हम हैं, अमूमन आदमी जब टेलीफोन भी कर देता है तो बैंक के कर्मचारी और पदाधिकारी स्टेटमेंट निकाल के दे देता है लोग। उस स्थिति परिस्थिति में जब अपना होता है, किसी के दूसरे खाता का अगर स्टेटमेंट निकलवाने की जब बात आती है उस समय एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि भाई जब तक आप रिटेन में देंगे वो आएगा नहीं, तब तक नहीं दिया जाएगा। हमको ये चीज़ थोड़ा सा नागवार गुजरा। हम कहे कि भाई ये व्यवहार तो आप लोगों का ठीक नहीं है, जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर जनता के साथ कैसा होगा। इतना ही पर आग बबूला हो गया कि आप ऊंचा आवाज में बात करते हैं, आप ठीक नहीं बात। हम बोले भाई इंटेंशनली ऐसा बात मत करिए, हमारा ऐसा साउंड है, चूँकि हम जब जनता की आवाज़ मजबूती के साथ नहीं उठाएंगे तो फिर जनता के समस्याओं का निदान कैसे होगा। इतना ही पर उसमें कैशियर महोदय बैठे हुए थे, वह भी अपना कैश छोड़ करके पीछे से आ करके एकदम लड़ाई के मूड में कि वो लोग हमसे झगड़ा कर लेगा कि आपका ये व्यवहार है, ऐसे है, फलान ठेकान। तो हमने बोला चलो भैया ठीक है, लेकिन ये जो काम आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ गलत कर रहे हैं और इसका खामियाजा सारी बातें टोटल वहीं बता रहे हैं।
तो हमने हमने ये कहा कि ये व्यवहार जो कर रहे हैं मेरे साथ गलत है, और अगर ये व्यवहार आपका रहा तो जान लीजिए कि जैसे लोकतंत्र के रूप में हम जमीन पर बैठेंगे तो नप जाइएगा। अब उसके बाद फिर आप कहिएगा कि आप मेरे साथ अन्याय कर दिए। उसी कड़ी में चूंकि हम लोग लोकतंत्र और कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हम ना झगड़ा कर सकते थे बैंक में आना, उनको हम अपशब्द बोल सकते थे। उसी कड़ी में जो मेरा ताकत है, जो मेरे पास पावर है, डेमोक्रेसी का जो पावर होता है, जनता के द्वारा जो ताकत है, उस ताकत के बदौलत बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष जमीन पर हम बैठ करके आज जो है सो धारणा पर बैठे, और कंसर्न उनके ऑफिसर्स को हमने सभी लोगों को फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद यहाँ के SHO महोदय को भी हमने फ़ोन किया कि सर हम यहाँ धारणा पर बैठे हुए, तमाम प्रशासन के लोग भी आए, बुद्धिजीवी लोग आए। बड़ा कहने के बाद कि भाई आप मुखिया जी उठिए, ये लोग आपके साथ मिसबिहेव गलत किया है। फिर बैंक के जो कर्मी लोग थे वो बाहर आकर के माफ़ी मांगे कि मुखिया जी हम लोगों से गलती हो गई है, और उसके बाद आपके समक्ष है, एक मिनट का टाइम था, ये लोग हमको स्टेटमेंट निकाल के दे दिए। आप जरा बताएं, एक स्टेटमेंट के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, और वह स्टेटमेंट अब मेरे सामने है, जमीन पर धारणा पर बैठना पड़ेगा। अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई बड़ा काम हो बैंक से तो कैसे होता होगा, और आवाम के साथ कैसा होता होगा। अगर कोई आवाम तो ऐसे मांग दिया करके तो हमको लगता है उसको गाली खा के इस बैंक से जाना पड़ेगा। ये स्टेटस है। मुखिया जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया और आपको न्याय मिल गया, लेकिन आम जनता के साथ आए दिन ऐसे घटनाएं झेलने को मिलती है। यही सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं किन से, आपके माध्यम से, इनके ऑफिसर से, कि आप ब्रांच खोल के बैठे हुए और हम जैसे सीधे साधे लोग और जनता के पैसा से, उनके रखे हुए पैसा से तमाम इन कर्मी और पदाधिकारी को वेतन मिलता है, तो जिसके पैसे से आपको वेतन मिलता है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करिएगा तो अंदाज़ा लगाइए। तो आप ही लोग सहारा है, चूँकि हम लोगों के पास तो कोई ताकत है नहीं जो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप लोग ताकत है और जनता के द्वारा दिया गया हमारे पास ताकत है, उस ताकत के बदौलत जमीन पर बैठना पड़ा, और जब जमीन पर बैठे तब ये हमको स्टेटमेंट मिला। अब आप बताएं कि आप कौन, रोज लोग आते हैं और जानते हैं, जैसे हम आकर के जमीन पर बैठे 20 से 25 की संख्या में यहाँ कस्टमर थे, मतलब अकाउंट होल्डर थे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि बैंक के तमाम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, इन लोगों का व्यवहार बहुत गलत है। तो अब चूंकि आप लोग आए हैं, पब्लिक का ओपिनियन था, हाँ, पब्लिक सभी लोगों ने कहा कि मुखिया जी आप अच्छा कर रहे हैं, कम से कम कोई तो व्यक्ति है जो इन लोगों के व्यवस्था और इन लोगों के व्यवहार के ऊपर सवाल तो कर रहा है। यानी बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं उनका दुर्व्यवहार लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी हम आवाज उठाए थे, तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों ने देखा था, यही हालत था। चूंकि हम लोग लोकल मुखिया है और किसी न किसी काम को लोग आदेश दे देते कि मुखिया जी चलिए बैंक में, नहीं सुन रहा है लोग। उसी दरमियान हम आए थे और एक व्यक्ति कोई मरा हुआ था, उनका पैसा बहुत लंबा टाइम से फंसा हुआ था, और आकर के हम जब पवाते थे वही घटना उस समय भी, क्या ऊंचा आवाज में बात करते हैं। आप जरा बताएं, आवाज ही यही है तो हम क्या बोलेंगे, गाली तो नहीं दे रहा है ना। अगर आपके सामने अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रख रहे हैं तो इसमें किसी को खराब लगने की कौन सी बात है कि आप ऊंचा आवाज में बात करते हैं, ये कौन सा बात हो गया। और जब हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी आवाज को सशक्त और मजबूती के साथ नहीं उठाएंगे तो फिर उनके समस्याओं का निदान कैसे होगा। तो ये तो नेचर में आवाज जो बुलंद है, अब बुलंद आवाज किसी को नागवार लगे तो मेरी क्या गलती, हमने तो गाली कोई दिया नहीं था। और ये तमाम घटना, तमाम चीज किसमें है, CCTV कैमरा में कैद है। तो हम तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं जो इनके कंसर्न ऑफिसर से उसको आकर के देखें, अगर उसमें हम दोषी पाए गए तो हम तो कहेंगे कि हम पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर यह लोग दोषी है तो उस पर कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, मेरा अपना मांग है। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष, मुखिया संघ सिवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक प्रशासन मुर्दा।